अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर यहाँ पे मौजूद हैं शानदाना गुलजार के साथ। आज हम इस पिछले हफ्ते में हुई हुई कुछ बातें करेंगे, जिनमें ये होगा कि आईएमएफ की विजिट आई थी खान साहब के पास, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के बाद का भी के तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। उसके अलावा फिर खान साहब ने पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, उनसे बात की, वहाँ पे भी उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा क्राउड रहा। तो खान साहब की पॉपुलैरिटी तो कहीं जाती भी नहीं नजर आ रही है। क्या ख्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम शानदाना। अस्सलाम वालेकुम सलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बहुत लोगों के से अरमान है कि वो सूरज को अपने अंगूठे से मिटा देंगे या दबा देंगे या गायब कर देंगे। वो ऐसा नहीं होता। ये तो हमने हिस्ट्री में देखा है, माजी में, मतलब जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की वो हमारे लोग बेचारे सिंपल है, तालीम तो उनको देते नहीं है जालिम। सो ये समझते हैं कि समहाउ ये दुनिया इनके जोर पे चल रही है, पीडीएम वाले, पीडीएम के हवारी, इनके बेरोनी जो आका है, इन सबको ये लगता है कि शायद दे आर द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉट रियलाइजिंग कि दे आर प्लेंटी ऑफ गुड सिंपल पीपल दुनिया में ऐसे इस वक्त लोग हैं लेड बाय इमरान खान, जो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। सो ये कुछ भी कर लें, खान साहब को ये लोग ना माइनस कर सकते हैं ना इररेलेवेंट कर सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल आपने जो आईएमएफ वाली स्टार्ट की, ये बहुत रेलेवेंट है। आपको याद है कि जब ये लोग पाकिस्तान को, खासकर इसहाक डार पाकिस्तान को बर्बाद करके चला गया था, उस जमाने में इन लोगों ने तकरीबन 24 अरब डॉलर फूंक दिया था अवाम का पैसा हमारे जेबों से निकाल के, कर्जे ले लेके, जो कर्जे हमें देने पड़ेंगे उस पर इन्होंने कोशिश की थी कि डॉलर 100 रुपए का रखें। पता नहीं उससे क्या फायदा उनको लग रहा था। हुआ उसका रिजल्ट ये कि जब पाकिस्तान के खान साहब की हुकूमत आई, हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही थी। मुझे नहीं आ कि कोई भी आईएमएफ का वफ्द लंदन गया नवाज शरीफ से मिलने, ऐसा नहीं हुआ। लीडर ऑफ द पार्टी भी था, लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान में शहबाज शरीफ था, ऐसे नहीं हुआ था, क्योंकि ही वॉज इररेलेवेंट, दे आर इररेलेवेंट। ये याद रखे, दुनिया चोरों के साथ और डाकुओं के साथ, उनसे डाके तो पढ़वा सकती, चोरी तो करवा सकती, उनसे डीलिंग कोई नहीं करता। जब ये वीओएनसी हो रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पिछले साल, हम सब ने ये प्रिडिक्ट किया था ये पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे, इनके साथ कोई बात नहीं करेगा। खान पे ब्लेम आता था कि अमेरिका को नाराज कर रहा है, यूरोप को कर रहा है, सऊदी को कर रहा है। तो ठीक है, आपने तो खान को हटा दिया, अपने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया। सो रिजल्ट क्या था उसका? अवाम के लिए महंगाई, अवाम के लिए गरीबी, ना गैस, ना पानी, ना बिजली, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही, 62% पे चली गई है। और अब इन पे जो अल्टीमेट इनकी एक डिफीट कह ले कि खान साहब का टीवी से नाम हटा दिया, खान साहब को शोज पे नहीं आ सकते, उनकी पार्टी का नाम, उनके 300 केसेस, मतलब 3000 ही कह ले, केस पे केस किए जा रहे। बट द आईएमएफ डिसाइडेड कि जब तक ये खान से बात नहीं होगी, हमने ये डील नहीं कर। आईएमएफ तो ना पीटीआई का हिस्सा है, ना वो हमारे मजबूर है, और आईएमएफ के तो हमने कर्जदारों ने, वो तो हमारे कर्जदार नहीं है। तो क्यों उनको खान साहब की जरूरत पड़ी? खान साहब और खान साहब की इकोनॉमिक टीम वहां क्यों थी, क्यों बुलाया गया? फिर आपने देखा भी एयरवाइन ने जो एम्बैरेसमेंट की, सेल्फ एम्बैरेसमेंट, कि खान साहब को उस तस्वीर से उनको गायब कर दिया और सिर्फ खान साहब को जूता नजर आ रहा था। सो मतलब ये बचकाना काम, और अगर खान साहब चाहते तो रोड़े तो डाल सकते थे बीच में, कह देते कि आई एम नॉट ऑन बोर्ड। लेकिन खान साहब के लिए हमेशा पाकिस्तान ऑलवेज इन पाकिस्तान फॉरएवर की एक इक्वेशन है उनकी। मैं इसी तरफ आपको अगले सवाल के साथ लेके जाना चाह रही थी कि हम जब खान साहब ने वफ्द से आईएमएफ की मुलाकात की और खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान को ही सामने आपको पहले रखा और उन्होंने फौरन उनके साथ बातचीत की, उनको अपने कंसर्न जरूर जाहिर किए, लेकिन उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। अब कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि खान साहब चाहते तो अपने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त, जो कि अगवा हुए हुए हैं, उनको छुड़वा सकते थे, कोई और इस तरह की शरायत रख सकते थे वो, बजाय यू नो इसके जल्दी से मान लेते। लेकिन खान साहब ने पाकिस्तान को रख के पहले जल्दी से मान लिया। इस बारे में ही मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आप अपने अपना बताएं, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, फिर खान के कैरेक्टर में जी। और ये एनआरओ सीकर क्या रह गया? ये तो है ही चोर, चोरियां करते हैं फिर माफिया घूमते मांगते फिरते हैं। ठीक है, ना करे चोरियां, ना गलत काम करें, आपको कोई जरूरत नहीं होगी कि किसी की भी एनआरओ की भीख मांगने की। कैरेक्टर में तो यही फर्क होता है ना, किरदार में। ये बेकिरदार लोग हैं, ये किसी के सामने भी सजदा कर देते हैं। ये ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल अमरीका गए थे कितने साल पहले कि जो खान इज इस्लामिस्ट,
यानी कि उसको दीन पसंद है। फिर जब खान ने 15th मार्शा करवाया इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन, तो फिर वो ये खुद क्लेम करने लगे। फैटफ के दिन जब कानून साजी होनी थी, ये बिलावल और ये क्या इसका नाम है डेप्यूटी मिनिस्टर जो है इसकी, हिना रबानी घर, दे वॉकड आउट ऑफ द रूम, आई वाज नॉट इन द रूम, बाकी सच हो गया। और फिर जब क्रेडिट लेने की बात आई तो फैटफ हमने कर दिया। झूठ पे झूठ, ये तो है ही झूठे, लेकिन खान साहब ने कैरेक्टर जरूर दिखाना था, पहली बात। दूसरी, समन यू मे नॉट रियलाइज किस वक्त पाकिस्तान डूब रहा है। हम इतने बुरे फाइनेंशियल हालात से किसी को अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान प्रेसिपिस पे खड़ा है। और ये भी जो IMF के साथ अरेंजमेंट है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मींस कि ये जितनी लोगों ने हम पे महंगाई डाल दी है, बिजली गैस पानी सब कुछ कर दिया, पेट्रोलियम, इसके अलावा भी कोई कंडीशंस हैं जो मीट होनी है। मैं क्योंकि मैंने एग्रीमेंट का टेक्स्ट नहीं देखा, सुनने में ये आ रहा है कि जो पहले भी IMF की शर्त थी कि जो 200 मालिक है पाकिस्तान के, पहले वो पैसा डालेंगे, फिर IMF अपना पैसा एक ट्रांश रिलीज करेगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने तो IMF की कंक्लूडेड डील्स की बात सुनी थी, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन इतना मुझे पता है कि इन लोगों को किसी ने पैसा ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद, इन लोगों को आदत है ये पैसा फूंक देते हैं। अब तो मुझे लगता है इलेक्शन पे ये लगा देंगे धांधलियों पे अभी से प्रिपेयर करने का। सो खान साहब, देखिये, आप पाकिस्तान के जो होस्टेज हैं इस वक्त, जो जेलों में पाकिस्तानी होस्टेज हैं, उनको रिलीज करने के लिए पाकिस्तान होस्टेज लोग कह रहे हैं ना, क्या पाकिस्तान को होस्टेज करते हैं, तो फिर हम में, नून में, पीपल में, या UIF में और इन चोरों में फर्क क्या रह गया? पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फॉरएवर, पाकिस्तान ऑलवेज। ब्रिलियंट आया और हम यही करेंगे। ब्रिलियंटली सेड। अच्छा, आखिरी एक इस तरफ से चलते हैं कि यही, क्योंकि अभी आपने बात की इलेक्शंस की, लगता नहीं था कि इलेक्शंस की तरफ जाने वाले हैं। अभी आपने देखा वो झंडा मुहिम जब चली हमारी, खान साहब, मतलब जो लोग कहते थे कि नहीं जी डर है, खौफ है, लोग छुप गए, लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं निकलेंगे, लोग निकले, लोगों ने झंडे लगाए। उसके बाद ये जो कुरान की बेहुर्मती के बारे की प्रोटेस्ट हुई, हालांकि ये हाईजैक कर ली थी गवर्नमेंट ने, ये कह के कि नहीं जी हम भी उसी दिन एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद इतने PTI के झंडे थे, इस जोर से ये इतना एविडेंट हो गया था कि जी ये खान साहब की ही कॉल पे आए हैं, कि हुकूमत ने नहीं चलने दिया, कहीं किसी मीडिया पे ये रिपोर्ट ही नहीं हुई, ये जो इतनी बड़ी बड़ी सारी प्रोटेस्ट थी। खान साहब इज वेरी मच देयर, ही इज वेरी मच इन द गेम। इलेक्शंस ये लोग नहीं लगता था कि कराएंगे, लेकिन अब ये IMF और फिर अभी ये जो EU की भी स्टेटमेंट आई है, उससे लगता है कि दे विल बी पुश्ड इनटू अ कॉर्नर और इलेक्शंस तो इनको कराने पड़ेंगे। इलेक्शंस चाहिए पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ, ताकि वाकई अवाम की ही मुंतखब हुकूमत आ सके। आपने एक दफा जिक्र किया था शानदाना कि आप यूनाइटेड नेशंस की एक या यूरोपियन यूनियन के आई थिंक एक मेंबर की हैसियत से गई थी किसी एक अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे और आपने उनको मॉनिटर, जाम्बिया, राइट। तो आप ये बताएं, इस तरह से क्या हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ला के नहीं ये एक शरायत में से हो सकती है खान साहब की कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएंगे, इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तभी हमें, क्योंकि बॉयकॉट तो करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो फिर भी उनके बगैर हुकूमत बनाने की कोशिश कर देंगे। तो क्या लगता है आपको कि किस तरफ जाना चाहिए? दो तीन बातें सामने आपने कही है। देखें, बात तो इलेक्शंस की, इलेक्शंस उन्होंने बिल्कुल नहीं कराने, उनको कोई शौक नहीं है, दिनों ये हारेंगे तो ये तो धांधली की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलेक्शन की प्रिपरेशन हो ही नहीं रही। दूसरा, क्योंकि वो कहते हैं ना, देयर इज नो ऑनर अमंग थीव्स, ये तो सारे चोर हैं। बिलावल का वालिद चाहता है कि उसकी वो PM बने, नवाज शरीफ चाहता है मरियम PM बने, शहबाज शरीफ चाहता है मैं PM बनूं। इस वक्त बंदर बांट की लड़ाई चल रही है, ठीक है। और 5-6, ये बात मैंने आज पहले भी कही थी एक दफा, कि 5-6 मुझे MNAs हैं पीपल्स पार्टी के, मैंने उनके टीवी शोज देखे थे कुछ अर्सा पहले, कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रोविजन पुल करना चाह रहे थे जिससे इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अगले साल तक डिले हो ताकि बिलावल की पॉपुलैरिटी बढ़े। अब ये लोग पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख रहे होते हैं। एक तो ये गेम चल रही थी, अब जब नवाज अली को पता चल गया कि जी कोई इनको वो नहीं है, पीपल्स पार्टी इज नॉट टैप, उनको जो जितने चने चबवाए हैं लोहे के, पीपल्स पार्टी ने नून को, नून तो तबाह हो गई है पंजाब में, बात सारी पंजाब की, जो पंजाब जीता है वो नेशनल गवर्नमेंट बनाता है, पंजाब इस वक्त PTI का है, ठीक है। और इनकी अपनी एरोगेंस है, उनकी फिरौनियत, ये समझते हैं कि जी खान तो खत्म है, PTI खत्म है, अब गेम नून की और पीपल की रह गई है। जो अल्लाह ताला के प्लान होते हैं ना, वो इनको लगता है ये डब्बे डब्बे भरने वाले इनके जो छोटे छोटे अफसर होंगे, उससे पाकिस्तान की तब्दीली आएगी। नहीं, मेहनत हम करेंगे, तब्दीली अल्लाह लाएगा। अब इशू ये है कि फ्री एंड फेयर होंगे वो तो कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि जीतना तो खान नहीं है, सो व्हाट कैन दे डू।
इनकी चीजें खतरे में, ये खुल के बताते नहीं है, इलेक्शन नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए गड़बड़ होगी। लेकिन एक और बात बता दूं समन, अगर साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए, इफ खान डजंट कम बैक एज पीएम, अगर ये ढोंगी वापस आते हैं, ये नालायक और चोरों की हुकूमत, माजद के साथ इनको 5 रुपए नहीं मिलने, दुनिया से इनको ये भी पता है। आपका क्या ख्याल है कि -1 फॉर्मूले पे इतने जोर और शोर से क्यों काम हो रहा है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोगों को क्यों भगा रहे हैं पीटीआई से? क्योंकि दे वांट, दे नो के खान विल विन, दे जस्ट डोंट वांट खान टू बी पार्ट ऑफ दैट पैकेज, कि पीटीआई से कोई भी हो बस खान, जिद, नॉट रियलाइजिंग कि इस वक्त खान इज पीटीआई, इस वक्त खान इज पाकिस्तान, और जो पीटीआई का फ्यूचर है पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर ये धांधली करेंगे पीटीआई के साथ, पीटीआई को अंधेरों में डालेंगे, पाकिस्तान अंधेरों में जाएगा। इनको अच्छी तरह से 1.5 साल में बखूबी शीशा आईना देख लिया है, अपनी पहचान हो गई है, हर मुल्क 10-10 दफा गए हैं भीखे मांगने, 1 रुपया इनको कोई नहीं दे रहा। कौन रोक रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद? सऊदी को, तुर्की को, यूएई को, चाइना को, यूएसए को और यूरोप को, कि पाकिस्तान को पैसा दें, चलो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, यू डोंट ट्रस्ट दीज थीम्स, आप इतने पैसे तो दे सकते थे, जिन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया इतना पैसा तो दे देते कि चलो तुम्हारे कुछ अरब डॉलर एक्सटर्नल कर्जा है, कुछ अरब रुपए पाकिस्तानी कर्जे हैं, सर्कुलर डेट है, चलो ये पैसा ले लो अपने मिटा दो। यूक्रेन में तो उन लोगों ने 120 अरब डॉलर अब तक डाल दिया है। कितना मुश्किल था पाकिस्तान को 15-20 अरब डॉलर देना, 1-1 अरब रुपए के पीछे इनकी नाक जमीन पर रगड़वा रहे हैं। सो मैं तो ये कहती हूँ, अगर इनको लगता है कि चीटिंग करके हुकूमत बना भी लें ये लोग, इनके साथ किसी ने बिजनेस नहीं करना, 5 साल इस तरह पाकिस्तान तड़पता रहेगा, इस तरह 1.5 साल से लोग बगैर खाने के हो गए हैं, बगैर नौकरी के हो गए हैं, 5 सालों से मजीद चलेंगे। इनको अपनी पहचान नहीं है, और ये दुनिया इसलिए वार्निंग दे रही कि हमसे भीख मत मांगो, अपना मुल्क चलाओ, इन चोरों से मुल्क नहीं चलाया जाएगा, सिंपल। एक आपसे पूछती हूँ, बिल्कुल यही जो आपने इलेक्शन की बात की, पंजाब की हुकूमत की बात की, जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, हमने देखा कि आपने बिलावल की बात की कि वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उधर वो जो अपनी खाल खिंचवा खिंचवा के मोहतरमा जो हैं वो भी यही कोशिश कर रही हैं, फजल रहमान कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह सदर बन जाए। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो कुछ नेशनल असेंबली में 9 अप्रैल 2022 में हुआ, उसके बाद इन्होंने आजाद कश्मीर में यही किया, अब गिलगित बल्तिस्तान में यही कर रहे हैं, कराची के इलेक्शंस को, बल्दियाती इलेक्शंस को जिस तरह से हाईजैक किया गया है, एक खौफ एक डर ये भी है कि ये 1971 वाली जो हिस्ट्री है उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल जिस तरह उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान के पीछे छुप के उनकी आड़ में करके अपनी पावर रखने के लिए मुल्क के दो टुकड़े कर दिए, जी उसी तरह से बहुत लोगों को ये खतरा है, ये पैरेलल्स बना रहे हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता मुल्क उसी तरफ जा रहा है। ये भी वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। ये बहुत लग रहा है लोगों को। आप उसके बारे में बताएं कि हम किस तरह से अपने लोगों में ये शऊर दें कि नहीं, हमने जो है वो इस मुल्क की सालमियत के लिए खान साहब के साथ खड़े होना है, और मिल के ये जो एक एलीट कैप्चर हो गया है, जो हमारे पूरे एक मुल्क को यरगमाल रखा गया है, उससे किस तरह बचा सकते हैं? देखिए दो चीजें हैं, आपने अभी यू वाली एम्बेसडर का, मैं बता देती हूँ कि यू के एम्बेसडर ने कोई बाय मिस्टेक ये स्टेटमेंट नहीं दी है कि हम ICCPR को देख रहे हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उन्होंने भूले में वो इंटरव्यू नहीं दिया, वो 1.5 साल से देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चाहिए तो ये था कि 25 मई को कुछ बोलते तो शायद 9 मई होता ही ना। एनीवेज, इनको पीछे बाहर के लोग पड़ गए हैं डंडे के साथ, जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। यू के एम्बेसडर तो मिलिट्री कोर्ट्स और एंटी टेररिज्म की भी बात की कि लोगों को हक है बोलने का, प्रोटेस्ट करने का। अब हर किसी को एंटी टेररिज्म कोर्ट में ले जाएंगे, अब हर किसी को मिलिट्री कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट्स की तुम्हें याद ही खत्म हो चुकी है जो 2019 तक थी, अब आप नहीं कर सकते सिविलियंस को, और यही केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो इनको तो इंटरनेशनल वार्निंग आना शुरू हो गई है कि अगर हमसे पैसा चाहिए, हमसे मदद चाहिए, तो हमारी बेइज्जती मत करो। इशू तो सारा ये है ना कि इन लोगों ने झूठ बोला था अपने बाहर के अकाउंट से कि जी डोंट वरी, खान की तो 5% पॉपुलैरिटी जाएगा, किसी को याद नहीं रहेगा। खान उस टाइम पे जब पाकिस्तान में 12% महंगाई थी, खान साहब 45-50% उनकी ओपिनियन था फेवरेबल, अब तो खान साहब 70-80% पे पहुंच गए हैं। नोन पीपल JUIF, ये जो वोटर्स खान के बड़े हैं, ये आसमान से तो नहीं उतरे, इम्पोर्ट तो नहीं किए हमने कहीं से, ये तो लोकल लोग हैं, डोंट वांट टू वोट फॉर दिस थग्स एनीमोर, सिंपल इज दैट।
जिस बंदे के पाकिस्तान में दिमाग में दो ब्रेन सेल चल रहे होंगे वो ये सब कुछ देख रहा होगा कि इनके बगैर अगली हुकूमत नहीं चल सकती एंड ही हैज टू बी इन द सेंटर, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के बैरूनी हालात है नोबडी ट्रस्ट जरदारी, कोई भी नहीं करता। इनके जो अपने बैकर्स हैं जिन्होंने खान को हटवाया वो भी इनको नहीं ट्रस्ट करते। दे हैव डेसिमेटेड द इकॉनमी, दे हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। देखो जो मर मर के जोड़ जोड़ के पैसा एक एक ये मुल्क बनाया था, कोविड में मुल्क को सजाया था, सब कुछ ठीक रखा, नौकरियां ठीक रखी, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सो इलेक्शन तो होंगे, जब भी होंगे, और जीतेगा खान। इशू ये है कि ये इस रियलिटी को कब और कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जितना जल्दी खासकर दोज इन पावर जिनके पास ताकत है वो अकल वाली टोपी पहने, पाकिस्तान वाली टोपी, ये चमचमारी वाली टोपी उतार के और अकल वाली टोपी पहने और सोचें कि नवाज शरीफ को, जरदारी को और फजल रहमान को झूठे वादे करके खान को तो हटा दिया, और जो नुकसान उसका पाकिस्तान को हुआ है वो बैरूनी किसी आका को से फर्क नहीं पड़ता। एक लफ्ज मैंने उस दिन सुना किसी ने इस्तेमाल किया है कि बैरूनी आकाओं ने बोला कि एज लॉन्ग एज देयर इज अ वेनियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वी डोंट केयर के अंदर क्या होता है मुल्क में, बाहर में जाए। ये तो बाहर के लोग आपके बारे में सोचते हैं। सो इसलिए अल्लाह करे कि इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग हों जिनका दिमाग चल रहा हो, जिनके पास ताकत भी हो, सोच भी हो, अकल भी हो, और वो समझ आए कि दिस मैन इज एट दिस पॉइंट इज इंडिस्पेंसिबल टू पाकिस्तान। चार्ल्स डी गॉल ने कहा था कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल, दैट मे बी सो, लेकिन चार्ल्स डी गॉल ही था जिसने दुनिया को उस वक्त सेकंड दूसरी जंग अजीम से उसके साथ चर्चिल के साथ मिलकर उन्होंने दुनिया को स्टेबलाइज किया था। तो हरफन मौला कोई भी नहीं होता और ना नऊज़ुबिल्लाह कोई खुदा के लेवल पे है कि बस उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन ये एक रियलिटी है। ये IMF की विजिट, EU की स्टेटमेंट, चाइना की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हक में, चाइनीज जितने डिप्लोमैट्स हैं वो खुशी इजहार करते हैं। वैसे इकबाल ने जो कोई बात की और उसके ऊपर जवाब आया चाइना का कि जी हमने तो पिछले साल ही कह दिया था, कि ये असेसमेंट किसने की है कि चाइना खान से खफा था या चाइना ने सीपैक खान ने सीपैक रुकवाया था, किसने कहा है? सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज खान इज इंडिस्पेंसिबल फॉर दिस इक्वेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर पाकिस्तान। अगर जरदारी, ये 5 इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, ये 10 फॉरेन मिनिस्टर जिस वक्त काबीना की 100 है, अगर इनमें कुछ अकल होती मुल्क इस हाल में ना होता। देयर कंबाइंड एक्सपीरियंस हैज डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। खजाना खाली छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि इनको आता यही है ना, इनको तो आता यही है मुल्क बात करना। जो ठीक कर रहा था उसको हटा दिया, क्योंकि फिर वो माफिया क्या खाएंगे, स्टेटस को कैसे मेंटेन रहेगा, मालदार कैसे मालदार रहेगा, गरीब को कैसे गरीब रखोगे, मिडिल क्लास को कैसे स्क्वीज करोगे, ये बिल्कुल। बस अब ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, आज हम 9 तारीख को इतवार को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें कुछ कह नहीं सकते। खान साहब ने भी यही कहा है कि जिस तरह से ये वो तोशाखाना का एक बेतुके केस को जिस तरह से जिस स्पीड पे, आपने वो इंटरव्यू देखा आज माशाल्लाह वो? जी बिल्कुल जी। उस इंटरव्यू में क्या था, वो क्या कहता है मिनिस्टर, कहता है एक्चुअली वो पाकिस्तान से पैसे जो है ना हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं है। तो वो एंकर पूछता है पैसे कहाँ है, कहता है जी वो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तान ही का हिस्सा है ना, टैक्स पेइंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। या तो माशाल्लाह बंदा मरीख में रह रहा है मिनिस्टर साहब, और अकल इतनी काबिल तेज तर अकल है इनकी कि वो कहते हैं कि जी वो पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के फंड में, तो ये तो करप्शन है ना, तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि ना गवर्नमेंट को पैसे दे दे। इसमें इमरान खान का क्या चक्कर, इमरान खान का क्या कसूर है, बस बात सारा झूठ। बट इट जस्ट शोज यू दैट माशाल्लाह देयर स्टूपिड बियॉन्ड स्टूपिड, इनको अल्लाह नजर ना लगाए, ये इतने स्टूपिड है, ऐसे नमूने मैंने कभी नहीं देखे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। एवरी टाइम वो कहते हैं ना, वो अपना मुंह खोलते हैं तो आके अपनी बेइज्जती कराते हैं अपनी, अगर किसी के पास इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट कहते हुए कि ये पाकिस्तानी है। बिल्कुल जी, बस अब अल्लाह सब खैरियत रखे इंशाल्लाह अगले आने वाले हफ्ते में। सबकी नजरें ये जो तोशाखाना का एक बिल्कुल बेकार बेहुदा किस्म का एक केस है उसके ऊपर ये नजरें रहेंगी। शानदाना आपका बहुत शुक्रिया, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, सबका बहुत शुक्रिया। शानदाना से इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।